परिगा पत्थरा परिगा सर गई सगली पियाज की सन मकमरही होई गई रे। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के एक हिस्सा विंध्य जहां बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। महाशिवरात्रि के ये दो दिन दरमियान जो हुए किसानन के स्थिति दयनीय हो गई ही, कहे कि खड़ी फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई ही। हालात यह है कि जो एक अपना गाना सुने रहे हो कि किसनबा का मरही पड़ गए हो, पानी परिगा पत्थरा परिगा किसनबा का मरही पड़ गए हो, तो हाल यह है कहे कि पूरी तरीके से फसल चौपट हो चुकी है। बिंध के यदि आकलन कही जाए तो लगभग 50% हिस्सा में जो है या बड़ा एक कहा जाए प्राकृतिक आपदा आई है जो उनके चलते किसान टूट गया है। अब सरकारन का तत्काल रूप से मुआवजा के मांग कर रहा ही विभिन्न जो है विपक्ष मांग कह रहा है, खुद राजनीतिक जो वर्तमान की सरकार ही वो मांग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता मांग कह रहे हैं कि कहे कि किसान जो है यदि देखे जाए तो आधारभूत आए, कहे कि यदि किसान आधार आए तब हम आपचन के दुई वक्त के रोटी चाहे पैसा कितना हो, यदि रोटी नहीं आए तो वह पैसा के कोनो मूल नहीं आए। ऐसे अब स्थिति यह है कि किसानन के साथ जो यह प्राकृतिक आपदा पड़ी है जो ओलावृष्टि के चलते किसानन के फसल चौपट हो गई, उसमें सरकारन का संज्ञान लेके आवश्यकता है और जल्द राहत राशि वितरित करे के बात हो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल जो आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई है, सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं। फील्ड में अभी सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एटीएम, वो भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के बाद जितनी फसल नुकसान हुई है उसका आकलन करने के बाद प्राकृतिक प्रकोप के तहत आरबीसी के तहत जो है उनमें जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत पीड़ित किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। कब तक संभव हो पाएगा उसका आकलन करने के बाद इसको एक महीने के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर, आवंटन प्राप्त होने पर जो है किसानों के खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी।